बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद शिफा। आप देख रहे हैं शाहिद शिफा ट्रिक्स में। आप लोगों को यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करना, ताकि जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिल जाए। तो दोस्तों चले शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियोस को आप मेरे जो भी फोटोशॉप की वीडियो से शुरू से आखिर तक देखें और इसे प्रैक्टिकल ज़रूर करें, मेहनत ज़रूर करें, क्योंकि मैंने भी दूसरे के ट्यूटोरियल्स और वीडियोस देख के मैंने ये सारा काम सीखा हुआ। आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी सीखें, भाई सीखें, क्योंकि ये हुनर है, ये स्किल्स है, ये आप लोगों को पास होना ज़रूरी है। क्योंकि फोटोशॉप वीडियो एडिटिंग वगैरह के काम सारे, ये जो यूट्यूब के ऑनलाइन अगर अर्निंग करना चाहेंगे आप, फाइवर वगैरह में कुछ बहुत सारी वेबसाइट है जिससे अर्निंग आप लोग आसानी से कर सकते, ये स्किल्स आप लोगों के पास हो तो, इसलिए मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं। तो चले सबसे पहले हमने फोटोशॉप ओपन करना है, तो यहां कोई हमने तस्वीर ओपन करते हैं पहले, ठीक है। तो मैं इसकी कटिंग करनी पड़ेगी, मैं आपको कटिंग करके दिखा देता हूं कि मैंने पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि इसकी कटिंग कैसे करते हैं। तो यहां से आपने ये देखिए, यहां से ये क्विक सिलेक्शन टूल हमने पिक किया है, क्विक सिलेक्शन टूल, ठीक है। यहां से हमने एकदम कटिंग कर, देखे एकदम से हो रहा है, इसमें कोई देर नहीं, ठीक है। देखिए एकदम से कटिंग हुई है इसका। बस आप लोगों ने भी इसी तरह आप लोगों ने भी सीखना है, ठीक है दोस्तों, और इंशाल्लाह आप अच्छी तस्वीर बना सकते हैं इससे। बस सिर्फ रिलैक्स होके काम करना, आप लोगों ने यहाँ आके इसको एड मास्क कर देना है, ठीक है, और मूव टूल पे जाना है। फिर यहाँ से आपने एक न्यू फाइल ओपन करनी है 1280x720 की, और ओके करना है जस्ट ग्रेडियंट टूल के ऊपर, ठीक है। ग्रेडियंट टूल हम कल पढ़ रहे थे तो हमने कलर किया था इसको ग्रेडियंट टूल पे, ठीक है। अब कर रहा तो मेरे तस्वीर के ऊपर हो रहा है। तो दोस्तों इसलिए मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूँ कि ये आप लेयर्स पे जरूर ध्यान देना, क्योंकि कौन सी लेयर्स पे आपने काम करना है तो इस हिसाब से आप चलना, क्योंकि हमने बैकग्राउंड पे करना है ग्रेडियंट, न कि तस्वीर पे, ठीक है। ये देखिए बैकग्राउंड पे हमने ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब ये कि आप अपने अच्छे बैकग्राउंड बना सकते हैं। इसके बैकग्राउंड अगर यहाँ जो देखिए काफी सारे दिए हुए हैं, बहुत सारे हैं, नहीं तो आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं इनको, ठीक है, नेट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा कल हमने पढ़ा था पेन बकेट टूल क्या काम करता है। पेन बकेट टूल दोस्तों देखे मैं बताता हूँ, यहाँ पे आके देखिए इसको हम यहाँ से ब्लैक फिल करना है, ठीक है। तो ये हम फिल करते हैं, या इसको वाइट कर दो, ये देखिए इस तरह, ये पेंट बकेट टूल का ये काम है। तो यहाँ से इसकी टॉलरेंस वगैरह चेंज कर सकते हैं, ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं इस तरह करके, ठीक है, टॉलरेंस बढ़ा सकते हैं इसकी, और मूड वगैरह बढ़ा सकते हैं, लाइट है, डार्क है, मल्टीप्लाई है, ठीक है, इस तरह देखे तो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टूल क्या है, ब्लर टूल है। ब्लर टूल क्या काम करता है दोस्तों, इसके लॉक को ओपन करता हूँ, ब्लर करके दिखाते हैं हम लोग अभी इस तस्वीर के ऊपर, ठीक है, ब्लर कैसे होता है ये देखें। यहाँ की इस तस्वीर के ऊपर ब्लर करना, लेकिन आपने लेयर्स पे फिर ध्यान देना, देखे हम लोग बैकग्राउंड के ऊपर है ना कि तस्वीर पे, ऊपर तस्वीर पे आना है। उसके बाद यहाँ पे हमने ब्लर करना, ये देखे ऐसा, ये माथे के ऊपर मैं इसको ब्लर कर देता हूँ, आपको नजर आ रहा हो वो ब्लर, नहीं तो यहाँ से ओपेसिटी मैंने फुल की हुई 100 की हुई, ओपेसिटी कम भी कर सकते हैं और मोड भी कम कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लाइटिंग करो, कलर करो, ये करो वो करो, यहाँ से दिया हुआ है आप लोग देख के कर सकते हैं सब। ऊपर भी ध्यान दिया करो कि क्या क्या है, इस चीजों को आप देखें, प्रैक्टिकल करें, मैं बार बार ये कह रहा हूँ। देखे ये ब्लर हो रहा है, ठीक है, इस तरह आपको नजर आ रहा होगा कि ये ब्लर हो रहा है, ठीक है, इस तरह ब्लर हो रहा है। तो इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट टूल है शार्पन टूल। शार्पन टूल क्या काम करता है, तो इसकी ओपेसिटी हम यहाँ से बढ़ा के दिखा देता हूँ। शार्पन टूल ये देखें, ये ब्लैक कर देता है ऐसा ऐसा, देख रहे हो, ये देखें, ये देखें, ये मुख्तलिफ जगहों में काम आता है, ये आप लोगों को आगे इंशाल्लाह खुद ब खुद ही समझ आएगा कि क्या कहाँ पे क्या काम करता है। तो इस हिसाब से इंशाल्लाह ये स्मूथ टूल है,
अब स्मज टूल देखें, स्मज टूल क्या काम करता है। स्मज टूल में आप लोगों को बता दूं, ये देखें, ये बालों को आपने खींच के ये बड़ा करने हैं, ऐसा इनकी सेटिंग करना। ये बड़ा जबरदस्त टूल है, ये आप लोगों को पहले बता दूं मैं, स्मज टूल बहुत जबरदस्त टूल है ये। ये आप लोग इसको सीखेंगे ना तो इंशाल्लाह ये तो आप अच्छी सर्विस दे सकते हैं ये फायर वगैरह पे। तो ये बड़ा जबरदस्त स्मज टूल, बड़ा जबरदस्त टूल है। इसको देखें ऐसा ऐसा, आप यहाँ वाइडनेस से इसको ख़त्म करके इसको थोड़ी सी ये इन बालों को ये देखें ऐसे करके सेटिंग कर सकते हैं ये, ठीक है। ये देखें, मेरा तो ऐसे बाल तो नहीं है लेकिन मैंने इनको थोड़ा देखो वही मराद की तरह बनाया इसको बाल को, ठीक है। तो इस तरह आप इसको लुक ऐसे अच्छे लुक दे सकते हैं। तो यार ये इजी है, सिर्फ भी कोई मुश्किल नहीं है, ये फोटोशॉप हलवा है समझो। लेकिन बस ये बता रहा हूँ ना शुरू में आप लोगों को उसके ऊपर मेहनत करनी है। जब मेहनत नहीं करेंगे तो फिर ये हर चीज़ ही मुश्किल लगता है। तो इसके बाद हमारे पास है स्मज टूल, मैंने आप लोगों को बताया। फिर हम लोग चलते हैं डोज टूल पे। डोज टूल क्या काम करता है, ये देखिए यहाँ पे जगह को वाइड कर रहा है, ठीक है। ये वाइड कर, ये बहुत जगहों पे, काफ़ी जगहों पे ये काम आता है। ये देखिए ये कलर मलर में, ये लेडीज़ वगैरह के लिए भी, मेकअप वगैरह में भी ये काम आता है ज़्यादातर। तो ये देखिए इस तरह करके मुख्तलिफ जगहों पर अलग अलग काम करते हैं हर टूल। मैंने आप लोगों को पहले बताया, बार बार मैं नहीं बता रहा। तो इस तरह ये वाइड कर देता है, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट टूल है बर्न टूल। अब बर्न टूल से क्या मुराद है, बर्न से आपको पता होगा कि यार जला हुआ मतलब। इसको देखे आपने, ये आईब्रोज वगैरह जो हैं ऊपर, इसको हमने ब्लैक करना फुल देखा ऐसे करके। अगर यहाँ से ऐसे ऑप्शन में नो फुल किया हुआ है, मिड नाइट किया हुआ है, शेडो हाईलाइट मिड चल मिड नाइट ही रखते हैं, इसको देखो तेज कर देते ऐसे करके। देखें ये देखें ये देखिए, ठीक है ऐसा। और इसको आप ज़्यादा ब्लैक कर सकते हैं बस इस तरह करके। मेरे कहने का मकसद यही है। अब आप लोगों को ये देखिए समझ गए होंगे, ये चीज़ें ज़रूर समझ गए होंगे आप। वो ये देखिए इस तरह ब्लैक कर सकते हैं आप इसको, ये देखिए। ये मुश्किल नहीं है कोई, ठीक है। स्पॉन्ज टूल है, स्पॉन्ज टूल देखे यहाँ पे, ये फिर इस तरह करके ये ब्लैक कर देता है इस चीज को। इस जगह को देखो मैं ब्लैक कर देके दिखा देता हूँ आपको, नजर आ रहा होगा। तो कल हम लोग इशाला पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पेन टूल के बारे में। ये चीज भी बड़े जबरदस्त टूल, ये टूल्स है, ये इनके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। इंशाल्लाह मेरे लिए इजाजत दे दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना, लाइक शेयर। अगर कोई अगर आपको मसला वगैरह है, कुछ बात समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। अपने ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।